हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, कनाडा वीजा फ्री। दोस्तों, यहां पर आपको पता है कि कनाडा जॉब फेयर अनाउंस कर रहा है, जो कि जनवरी 30 से स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे होंगे और जाने की कोशिश भी कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको पता चले कि जो चार कंट्रीज को कनाडा ने टारगेट किया है, उनमें से एक कंट्री में आप बिल्कुल आसानी वीजा गेट कर सकते हो और वहां पे जाके जॉब फेयर में जा सकते हो। काफी ज्यादा लोगों का बोलना है कि सर, हम घर बैठे बैठे अप्लाई कर करके थक गए हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको फ्री एडमिशन देती है जॉब फेयर्स के अंदर। अब जॉब फेयर के अंदर एडमिशन लेके आप करोगे क्या? जॉब फेयर में अगर आप एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हो, तो वो आपको एक इन्विटेशन लेटर सेंड करेंगे, जिस इन्विटेशन लेटर से आप उन चार कंट्रीज के अंदर से कोई भी कंट्री में बिल्कुल आसानी वीजा गेट करके जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कीजिए कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर आप बिल्कुल आसानी वीजा गेट कर सकते हो, तो यहां पर चलते हैं हम, और ये है पोलैंड। फ्रेंड्स, पोलैंड का वीजा बिल्कुल आसानी गेट कर सकते हो। अब चार कंट्रीज है, सबसे पहले मैं आपको चार कंट्रीज के नाम बता दूं। नंबर वन के ऊपर है पोलैंड, नंबर टू पे है यूक्रेन, नंबर थ्री पे बेल्जियम और नंबर फोर पे नेदरलैंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप पोलैंड जाना चाहो तो पोलैंड आप बिल्कुल आसानी जा सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि पोलैंड में वर्कर शॉर्टेज काफी ज्यादा है। अब बहुत सारे लोग देख सकते हैं कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने बताया था कि 1,40,000 वर्कर्स की शॉर्टेज है पोलैंड के अंदर। अब पोलैंड की विजिट वीजा अप्लाई करने का जो रेशियो है वो भी काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट को लोगों की काफी ज्यादा जरूरत है और ज्यादा लोग करते यही है, विजिट वीजा लेके जाते हैं, वहां जाने के बाद टीआरसी अप्लाई कर लेते हैं या तो वर्क परमिट अप्लाई कर लेते हैं और बिल्कुल आसानी उनको जॉब भी मिल जाती है वहां पे। तो इसीलिए विजिट वीजा का रेशियो काफी ज्यादा अच्छा है पोलैंड का। अब इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे अपने, इसके अलावा वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा जो कि तकरीबन भी 6 मंथ्स वैलिड हो, फोटोकॉपी ऑफ योर नेशनल आईडी कार्ड चाहिए होगा, इसके अलावा एफआरसी चाहिए होगा, मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको कंपनी से एक लेटर चाहिए होगा, जहां भी आप जॉब करते हो वहां से एक एप्लीकेशन लेटर चाहिए होगा कि आप यहाँ पे विजिट करने जाना चाहते हो, और उससे आपकी कंपनी को कोई भी वो नहीं है, मतलब कि आपकी कंपनी आपको छुट्टियां दे रही है। इसके अलावा आपको NTN चाहिए होगा जो कि होता है टैक्स पेयर, मतलब आप अपनी कंट्री में टैक्स पेयर होना जरूरी है। अगर आपको यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप के किसी भी कंट्री में जाना है तो आपको NTN जरूर चाहिए होगा। इसके बाद बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। यहाँ पर आपको 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगा जो कि तकरीबन भी 3 से 4 लाख रुपए हो, तो कोई मसला नहीं है, आपको वीजा बिल्कुल आसानी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको फ्लाइट बुकिंग चाहिए होगी और होटल बुकिंग चाहिए होगी। अब ये जो होटल बुकिंग वगैरह है, ये आपको फ्री वाली भी चल सकती है, जरूरी नहीं है कि आप इसको पेड वाली करवाओ। इसके बाद आपको चाहिए होगा ट्रैवल इंश्योरेंस। दोस्तों, ट्रैवल इंश्योरेंस बिल्कुल आसानी बन जाता है और ये बात हर कोई जानता है, ठीक है। तो अगर आप पोलैंड के अंदर अप्लाई करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको वीजा मिल पाए और आप वहां पे फिर जाने के बाद जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब बात की जाए उनकी, जो कि ये रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब कि पोलैंड का वीजा अप्लाई नहीं करना चाहते, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन भी यही है, वो फ्री एडमिशन की वेबसाइट पर आए, और यहाँ पर मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको करना ये होगा, ये वेबसाइट इस तरीके से आपके सामने ओपन होगी और इसका नाम ही यही है, वेलकम टू जॉब्स कनाडा फेयर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आने के बाद आपको जॉब सीकर के ऊपर क्लिक करना है। जॉब सीकर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी, प्रोविंस, इसके अलावा आप कौन से ऑक्यूपेशन के लिए जॉब ढूंढ रहे हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपको अपनी रिज्यूम सेंड कर देनी है इनको। अब दोस्तों, रिज्यूम में मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं कि जो ऑक्यूपेशन आप यहाँ पे लिखोगे उसका एक्सपीरियंस आपकी रिज्यूम में जरूर मेंशन होना चाहिए। काफी ज्यादा लोग मुझे सीवीज भेजते हैं कि सर, हमारी जॉब के लिए अप्लाई कर दो, ये कर दो, तो जब भी मैं उनकी रिज्यूम कहीं पर सेंड कर रहा होता हूँ तो मैं ये चीज जरूर देखता हूँ कि यार, आपका ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपकी सीवी के अंदर वो एक्सपीरियंस है या नहीं, और वो होते ही नहीं है यार, मतलब कि क्या सोच के उस ऑक्यूपेशन में अप्लाई करते हो, मुझे तो समझ नहीं आता। तो जिस ऑक्यूपेशन में अप्लाई करोगे उसका एक्सपीरियंस अपनी सीवी में जरूर मेंशन करना, और साथ ही में आपको एनओसी लेवल भी मेंशन करना है और एनओसी नंबर भी मेंशन करना है। ये करने के बाद आपको सबमिट योर रिज्यूम कर देनी है। अब इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, अगर आपकी रिज्यूम एलिजिबल हुई जॉब फेयर के लिए तो आप बिल्कुल आसानी वहां जा सकते हो। ये लोग आपको एक लेटर सेंड करेंगे और उस लेटर के तहत आप किसी भी कंट्री की एम्बेसी में ये चीज शो कर सकते हो
कि सर मुझे जॉब फेयर में जाना है और मुझे वहां से इनविटेशन लेटर आ चुका है, और इनविटेशन लेटर दिखाने के बाद आपको बिल्कुल आसानी वीजा मिल सकता है और इसके जरिए आप जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।